कौमी मुजरम PMLN के कुछ अफराज यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि आजकल इंसाफ अदालतों से सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे हुकूमत करता है, वो मुल्क और कौम और कानून का मुजरम नहीं है, वो अपने ज़मीर का मुजरम है कि जो इस मुल्क को बनाना चाहता है उसकी उसको सजा दी जा रही है। आज देखें मुल्क के तूल वरस पे सारे जितने भी बॉर्डर हैं, स्मगलिंग कौन कर रहा है, बत्ता कौन ले रहा है, जेली केस कौन बना रहा है, आजम सवाती को बेलिबास किसने किया, हमारी बेटियों को किसने उठाया, आईन अपने बूटों के नीचे किसने रौंदा। इसलिए पाकिस्तान के अवाम अपने आईन के साथ, मुल्क के साथ, उसकी खुशहाली के साथ खड़े हैं। आज देख लें कि जब रियासत का एक इदारा फार्म 47 जेली के जरिए जेली वजीर आजम और जेली सदर बनाकर मुल्क के ऊपर उन कानूनी मुजरमों को, उन मशहूर मुजरमों को जब मुल्क के ऊपर मुसलत करें तो मुल्क की हालत यही होती है। आज मीडिया के लोग उठाए जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, उनको बेलबास किया जा रहा है, मुल्क छोड़ने पे मजबूर है, इसलिए कि आज वो अपनी आवाज़ बनकर अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन सारी हस्तियों को जिन्होंने पिछले कम से कम 2-2.5 साल से ये सारी तकालीफ उठाई है, अपनी उन बच्चियों को, अपने उन बुज़ुर्गों को, अपने उन भाइयों को जो जेलों के अंदर हैं, और ख़ास कर इमरान खान और बुशरा बीबी, ये मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हमें अदालतों से कोई रियायत नहीं मिल रही, इसलिए मानसिरा से कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी इस्लामाबाद, कभी कहाँ कहाँ जो जेली केस हैं उसके अंदर मैं 76 साल की इस उम्र के अंदर भी जो है जा रहा हूँ। मैं वकला को, पाकिस्तान के IELF के और सारे वकला को बिला तफरीक सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सारे निज़ाम को नंगा कर दिया है। आज बार एसोसिएशन खरीदी जा रही है मुल्क के पैसे से, किसानों पे जुल्म ढाया जा रहा है, गरीब की महंगाई की सूरत हाल देखें, तनख्वाहदार की सूरत हाल देखें, 2 वक्त की रोटी उनके मुंह से ले चुके हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया है, हमारी अफवाज का नाम बदनाम करके रख दिया है। और मैं पूछना चाहता हूँ चंद लोगों से, किसका एजेंडा है? इसलिए कि मेरे लीडर ने और मैंने तो हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का वजूद हमारी अफवाज से मंसूब है, मुंसलिक है, उनको बदनाम करने के लिए आज हर घर के अंदर लोग उनको बददुआ दे रहे हैं। किसका एजेंडा है मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम किया जा रहा है? आज वो वर्दी लगाकर किसी जगह भी पब्लिक के अंदर जाने के काबिल नहीं है, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जिस तरह यहया खान एक ने मशरकी पाकिस्तान का साना करके हमारी फौज को बदनाम किया, आज भी वही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ अदालत के जजों से कि हम सबको इस पर शर्म करनी चाहिए कि पार्लियामेंट के मेंबरान के घरों में वीडियो कैमरे लगाए, जजों के घरों पे कैमरे लगाए, लोगों को इन्फोर्स अगवा के जरिए उठाया जा रहा है, आईन को तोड़ा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला कल इस्लामाबाद के अंदर जाकर मैं राजा सिकंदर के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसने आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा
वो मेरे हाथ से गलती से भर्ती हुआ था का मेंबर था और मैं नादम हुआ अपनी कौम के सामने ऐसे शख्स को और तमाम इलेक्शन के मेंबरान को क्यों हमने उस वक्त चुना। लेकिन इंशाल्लाह ताला हक और सच की राह पे इमरान खान और उसके साथी और वो सारे वकला जो उनके मुकदमे लड़ रहे हैं उनको मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। कल मैं पंजाब की असम्बली के जो भूख हड़ताल करने वाले थे लामती भूख हड़ताल उनको सलाम पेश करता हूँ। कल मैं गया उनके पास, मैं अपनी उन बेटियों को सलाम पेश करता हूँ जिनकी चादरें उनके सरों से नोची गई हैं लेकिन आफरीन वो अपनी कौम के साथ गैरत के साथ खड़ी हैं। और देखो अगर गिराना है तो आकर मुझको गिराओ। इमरान खान बहुत बड़ा नाम है और सदियों में एक ऐसा लीडर पैदा होता है, मैं कहता हूँ उससे आप कोई अच्छा काम करवाएं, उसका नाम इस वक्त दुनिया के अंदर बोल रहा है, हर दिल के ऊपर रोशन है। इसलिए इमरान खान को नाजायज़ जेलों के अंदर रखना, बुशरा बीबी को जेलों के अंदर रखना कानून और इंसाफ का गला घोंटना है। मेरे उस बहादुर लीडर से जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे फिर मैं कहता हूँ कि हुकूमत करता है उससे फ़ायदा उठाओ, उसके नाम से फ़ायदा उठाओ, उसके एतमाद से फ़ायदा, उसकी बहादुरी से फ़ायदा उठाओ। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि उसको रिहा करो, इसलिए कि पाकिस्तान माशी समाजी तौर पर डूब रहा है। इस कश्ती को डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए इमरान खान को बाइज्जत जेल से बाहर करना ये आप पर फ़र्ज आयद होता है। इंशाल्लाह ताला हक और इंसाफ की जीत होगी और इमरान खान शुरू होकर अपने पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में फिर इंशाल्लाह ताला खड़ा होगा।